तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब अभी तक हमने ये चैप्टर काफ़ी हद तक खत्म कर लिया है। ठीक है, हमने बहुत सारे ये तो बहुत मोटा हो गया भाई साहब, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कई सारी चीज़ें देख ली कि जैसे मेमोरी मैनेजमेंट कैसा होता है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैश मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। हमने आर्किटेक्चर देख लिया, बस आर्किटेक्चर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आज की इस वीडियो में हमने एक टर्म देखेंगे जिसे हम कहते हैं भैया प्रोसेस। एग्जाम में जब आप एग्जाम लिखने जाओगे कई बार एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भैया डिफाइन व्हाट इज प्रोसेस एंड गिव द स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। स्टेट्स ऑफ प्रोसेस पूछ दिया जाता है या पूछ दिया जाता है कि डिफाइन प्रोसेस। वहीं पे एक सवाल पूछ दिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है जो हम डेली लाइफ में अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं वो किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या उसके फंक्शंस है, क्या उसकी डेफिनेशन है, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट नोट लिख के दो। या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कई बार पूछ दिया जाता है, या कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रोसेस के जितने भी स्टेट्स होते हैं वो बताने वाला हूँ, साथ ही साथ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या उसके फंक्शन है, क्या बेसिक ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और एक्सेल को भी मैं इसी तरह कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम देखते हैं भैया प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस एक जनरल लाइफ में मुझे बताओ प्रोसेस से क्या समझते हो। प्रोसेस का मतलब हो गया भैया किसी भी काम को करने के लिए कितने वेरियस स्टेप्स अपन ले रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए कितने वेरियस स्टेप्स अपन ले रहे हैं, इसी पूरी जर्नी को क्या नाम दे दिया जाता है भैया, प्रोसेस के नाम से पुकार दिया जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है भैया, प्रोसेस के नाम से पुकार दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया भैया वीडियो एडिटिंग। क्या भैया? वीडियो एडिटिंग। ठीक है, अब वीडियो एडिटिंग में हमें क्या हिसाब किताब देखना पड़ता है। सबसे पहला भैया हमने देख लिया कि हमने अपनी जो वीडियो फाइल है, जैसे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वीडियो को इंपोर्ट किया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है वीडियो को इंपोर्ट किया, दूसरा ऑडियो को इंपोर्ट किया। ठीक है, इन दोनों को सिंक्रोनाइज किया, ऑडियो को एडिट किया, वीडियो को एडिट किया, इसमें बेसिक कट्स लगाए, जो भी इफेक्ट्स और टाइपोग्राफी जो भी चीज़ें लगानी है वो सारी चीज़ें लगाई, और साथ ही साथ इसको एक्सपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया भैया? एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये वाली जो चीज रही, ये जो सारी चीज स्टेप बाय स्टेप हमने ने सारी चीजें देखी, इसे हमने क्या नाम दे दिया भैया? प्रोसेस नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? प्रोसेस नाम दे दिया। ठीक इसी तरीके से हमारे सीपीयू के अंदर किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट को, किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोसेस लगती है। क्या लगती है भैया? एक प्रोसेस लगती है। प्रोसेस क्या हो सकती है? सबसे पहले जो हम एंड यूजर है, जो आप हैं, हम हैं, कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होंगे, सबसे पहले उस प्रोग्राम को पास किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी मेमोरी या जो भी डेटा इंफॉर्मेशन मेमोरी से फेच करना होगा वो फेच किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूशन में लगाया जाएगा, उसको रन कराया जाएगा और लास्ट में अपने को आउटपुट मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस में काम हो रहा है। बस इसी प्रोसेस का जिक्र यहां पे एक टर्म में हुआ है। देखो कितनी छोटी सी चीज है। हमें पता है अगर प्रोसेस टर्म आ जाता तो हम थोड़ा सा पागल हो जाते कि यार ये क्या पूछ दिया। यही कुल मिला के हिसाब किताब है। अब अगर मैं बात करूं प्रोसेस की डेफिनेशन की तो प्रोसेस की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अ प्रोसेस इज एन एक्टिव प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, जिसमें कोड आता है भैया, डेटा आता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या भैया? जो हमारे प्रोग्राम काउंटर्स हो गया, रजिस्टर्स हो गए, ये मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर होती है, मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके स्टैक्स हो गए, ये किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, उसी को हम प्रोसेस का नाम देते हैं। तो क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अब ये जो प्रोसेस रहती है ये एक सीक्वेंशियल फ्लो कि भैया पहले ये होने वाला है, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा और लास्ट में एग्जीक्यूट कर देना है। ये सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन द प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है। प्रोग्राम के अंदर किस सीक्वेंस में किसी भी चीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है भैया? हमारी एक प्रोसेस करती है। ठीक है, ये प्रोसेस का मैंने एक चार्ट बना दिया। ये जो हमारा स्टार्ट है, ये यहाँ स्टार्ट पे जो भी हमारे न्यू प्रोग्राम्स होंगे हम उनको इंसर्ट कराएंगे। दूसरी तरफ फिर देखा जाएगा क्या हमारे प्रोग्राम्स हैं वो जो है वो रेडी टू एग्जीक्यूट है। हाँ जी भैया, रेडी टू एग्जीक्यूट है। रेडी टू एग्जीक्यूट में क्या होगा? वेरियस चेक पॉइंट्स होंगे। वेरियस चेक पॉइंट्स कौन से भैया?
क्या जो भी इंफॉर्मेशन हमें मेमोरी से रिक्वायर्ड है, बहुत सारी चीजें हमें मेमोरी से रिक्वायर्ड होती है। सपोज हम वेब डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, हमने अगर किसी ने यहाँ पे वेब डेवलपमेंट करी हो तो HTML और CSS के टाइम पे या मेनली HTML के टाइम पे कुछ ऐसी फाइल्स होती है, कुछ इमेजेस होती है, कुछ टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, कुछ आपकी वीडियो फाइल्स होती हैं जो कि अपन अपनी मेन मेमोरी जो कि आपकी स्टोरेज डिवाइस है, जो आपकी SSD है कंप्यूटर के अंदर, अपन उधर स्टोर करके और उनको फेच करते हैं प्रोग्राम के टाइम पे। तो ये जो रेडी वाला हिसाब किताब है, ये रेडी अपन कब थप्पा लगाते हैं कि भैया अब हमारा जो प्रोग्राम है, अब जो हमारा प्रोसेस है वो रेडी टू एग्जीक्यूट है, ये थप्पा तब लगाया जाता है जब ऐसी कोई भी फाइल्स जो होती है मेमोरी में स्टोर, उनको हम फेच करके प्रोग्राम काउंटर तक लेके आते हैं। ऐसी कंडीशन को हम कह देते हैं कि भैया अब हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी टू एग्जीक्यूट है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। रेडी टू एग्जीक्यूट के बाद इसको रनिंग प्रोसेस में लाया जाता है, जो भी आपका प्रोग्राम है उसको रन कराया जाता है और लास्ट में आउटपुट देके या तो इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, या फिर अगर उसमें कुछ और काम अभी बाकी है, या फिर उसमें और कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ और कंप्लीशन करना है, तो उसको दोबारा से रेडी वाली पोजीशन पे लाया जाता है। ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, अभी थोड़ा सा रुक जाना, अभी आगे और इसको अच्छे से समझाऊंगा। ये जो पूरी चीज़ हमने देखी, इसे हम कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। क्या कहते हैं भैया? स्टेट्स ऑफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्टेट्स ऑफ प्रोसेस कहा जाता है। तो हमें समझ में आ गया अभी तक कि भैया हमारी प्रोसेस होती क्या है। हमने रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लिया, फिर हमने थोड़ा सा उसके स्टेट्स पढ़ लिए, थोड़ा रूबरू हो गए कि स्टेट्स ऑफ प्रोसेस क्या होती है। हमने थोड़ा देख लिया स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इस चीज़ को नोट करो, उसके बाद हम बढ़ते हैं भैया अपनी अगली स्लाइड में। अगली चीज़ में हमने क्या नोट करा है, देख यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थोड़ी कि भैया हमारे जो प्रोसेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। किसी भी चीज को अपन प्रोसेस कब डिफाइन करेंगे वो इस चीज से हम जानने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि भैया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो सपोज मेरी बात सुनो, जब किसी भी प्रोसेस या किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जाता है तो किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या जरूरी है कि एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोग्राम ही या एक प्रोसेस ही चल रही होगी? मेरी बात सुनो, मेरा ऐसा हिसाब किताब है कि जैसे मैं जब वेब डेवलपमेंट कर रहा हूं तो उसमें हम बैकएंड का काम कहीं और कर रहे हैं, ठीक है, फ्रंट एंड का काम कहीं और कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सेम पीसी पे सेम टाइम पे दो अलग अलग प्रोसेसेस चल रही हों, बैकएंड वाला जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, फ्रंट एंड वाले प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा हो, दोनों एक ही टाइम पे चल रहा हो। इस वाली कंडीशन में ये जो दोनों की मेमोरी एलोकेशन है, या मैं कहूँ जो दोनों की प्रोसेसेस हैं, ये आपस में ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। सेम यही चीज जो है ये प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी प्रोसेस होती है, जितनी भी प्रोसेसेस एज अ प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर रन कर रही होती हैं, इनकी खुद की मेमोरी स्पेस होती है, ठीक है, इनकी खुद की मेमोरी स्पेस होती है जो कि आइसोलेटेड होती है फ्रॉम अदर प्रोसेसेस। जितनी भी अदर प्रोसेसेस सेम पीसी में या सेम सिस्टम में रन कर रहा होगा उनसे अलग इनकी मेमोरी स्पेस होगी, जहां पर जितने भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन है, जितने भी इंस्ट्रक्शन हमने कोड करके दिए हैं, जो भी डेटा हमने प्रोवाइड किया है, जो भी एग्जीक्यूशन स्टैक, एग्जीक्यूशन स्टैक का मतलब क्या है भैया कि पहले इसको एग्जीक्यूट करना, फिर अगली वाली लाइन को एग्जीक्यूट करना, फिर अगली वाली लाइन को एग्जीक्यूट करना, तो ये स्टेप्स है ना, इसको हम कहते हैं भैया एग्जीक्यूशन स्टैक। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हर प्रोसेस की इंडिविजुअल होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेमोरी स्पेस हमने इस प्रोसेस के लिए यूज करी वही सेम मेमोरी स्पेस हम इस प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, अलग अलग टाइम फ्रेम में हो सकता है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारी प्रोसेस रहती है उसका अलग अलग हिसाब किताब रहता है भाई साहब। अब दूसरी चीज, जो हमारी प्रोसेस रहती है, कोई भी प्रोसेसेस जब मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में रन कर रही हैं, सिंक्रोनाइज कर रही हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और सिंक्रोनाइज कर सकती हैं जब भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। ये जो IPC है ये एक टर्म होता है, हालांकि अगर याद नहीं रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट मैंने एक्स्ट्रा ही लिखवा दिया है, अगर क्योंकि देखो एग्जाम में जब पूछेगा ना कि डिफाइन या स्टेट प्रोसेस और जो वेरियस प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं वो बताओ, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा हिसाब किताब। बस उसी में कुछ ऐड ऑन करने के लिए मैंने थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक भी लिखवा दिया। अब ये IPC वगैरह अगर नहीं याद रह जाता है तो इतना लोड मत लेना, ठीक है, बस नोट्स में लिख लेना ताकि लास्ट में आप रिवाइज कर लो, ठीक है। लेकिन ये वाली चीजें तो आपको ध्यान रखनी रखनी है, तो डेफिनेशन में पॉइंट वाइज ये सारी चीजें लिख दोगे, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्रोसेस एलोकेटिंग CPU टाइम, ठीक है, CPU में जो भी है टाइम उसको एग्जीक्यूट किया वो एलोकेट किया जाता है, साथ ही साथ जो शेड्यूल किया जाता है उसके एग्जीक्यूशन का, ठीक है। उसके बाद जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज रहते हैं, मेमोरी से कोई डेटा प्रोवाइड करना है, वो सारी चीजें जो है वो एक प्रोसेस को या मैं कहूँ एक प्रोग्राम को प्रोवाइड किया जाता है। कौन प्रोवाइड करता है? ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो प्रोवाइड करता है।
इतना समझ में आने के बाद इसको नोट कर लो और उसके बाद हम पढ़ते हैं ये जो हमारी स्टेट्स हैं प्रोसेसेस की। कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये मैंने पहले ही बताया, जो हमारी न्यू स्टेट है, न्यू स्टेट में क्या हो रहा है, जो भी हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट करना है उसको शेड्यूल किया जाता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड बट हैज नॉट येट बीन एडमिटेड टू द पूल ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोसेसेस बाय द ओएस शेड्यूलर। मतलब ऐसा समझो कुल मिला के कि कोई एक प्रोग्राम रन हो रहा है, अब उस प्रोग्राम को जब हम राइट कर रहे हैं किसी भी कंपाइलर में, अपने VS कोड कंपाइलर हो गया, अपने ऑनलाइन जितने भी कंपाइलर्स हो गए, वहां पे जब हम प्रोग्राम को रन कर कोड कर रहे हैं, अब वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, वो रेडी होने से जस्ट पहले वाली जो टाइम फ्रेम है उसको हम कौन से टाइम फ्रेम कहेंगे भैया, न्यू टाइम फ्रेम कहेंगे। कौन से भैया, न्यू टाइम फ्रेम कहेंगे। अब ये रेडी का तो हमें मतलब पता चल गया, रेडी में क्या भैया, मेमोरी से जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, मेमोरी से जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर सीपीयू, जो भी अपन कहें, ठीक है, सीपीयू में एक टाइम या एक एग्जीक्यूशन स्लॉट असाइन करने के लिए ये वाली पोजीशन रहती है, रेडी वाली स्टेट रहती है, ठीक है, ताकि जो रन टाइम है, जो सीपीयू का रन टाइम है उसमें एलिजिबिलिटी मिल जाए। साथ ही साथ जो मेमोरी से, जितने भी मेमोरी से डेटा अपन को फेच करने हैं, सपोज जो मैंने एग्जांपल बताया था ना वेब डेवलपमेंट वाला, कि वहां पे एचटीएमएल में जब अपन कोई फाइल अटैच कर रहे होंगे, कोई वीडियो फाइल अटैच करनी पड़ती है, कोई इमेज फाइल अटैच करनी पड़ती है, तो वो जो प्रोसेस होती है कि हमने सारी की सारी चीजों को फेच कर लिया है, हमने सारी की सारी चीजों को मेमोरी से फेच कर लिया है और अब हम रेडी हो गए भैया प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं भैया, हमारी रेडी वाली स्टेट कहते हैं। अब दूसरी तरफ जो हमारी रनिंग वाली स्टेट रहती है, रनिंग स्टेट तो वही हो गया भैया कि जब जो हमारा सीपीयू है, जो हमारा प्रोसेसर है, वो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सेट ऑफ प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम क्या हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी जो टाइम फ्रेम को, जिस टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी को हम रनिंग फेज कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, रनिंग फेज। तो अभी यार कंफ्यूज नहीं होना, इसको थोड़ा शुरू से देख लो, न्यू कौन सा हो गया, जब हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी टू एग्जीक्यूट है, रेडी फेज कौन सा हो गया, रेडी स्टेट कौन सा हो गया प्रोसेस का, जब जो हमारा प्रोग्राम है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मेमोरी से ले चुका है, साथ ही साथ उसको एक स्लॉट मिल चुका है सीपीयू के अंदर कि अब भाई साहब तुम्हें एग्जीक्यूट हो सकते हो। रनिंग वाला टाइम कौन सा, जब जिस टाइम फ्रेम में हमारा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट देने से जस्ट पहले उसको रन कर रहा है, प्रोग्राम को, प्रोग्राम में लाइन बाई लाइन जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, इस टाइम को हम रनिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रनिंग फेज कहते हैं। यही सेम चीज यहां मैंने लिखी है, इस चीज को आप नोट कर लोगे, ठीक है। अब उसके बाद जब हम अगली स्टेट की बात करें, अगर जब हम अगली स्टेट की बात करें तो ये वेटिंग स्टेट है। वेटिंग स्टेट कौन सी, कई बार क्या होता है कि जो प्रोग्राम्स है वो अनेबल टू प्रोसीड है, अनेबल टू प्रोसीड है, वो कुछ भी फॉल्ट सीपीयू को फॉल्ट हो सकता है या कोई भी अदर प्रॉब्लम हो सकती है, कंपाइलेशन में कोई एरर हो सकता है, उस जगह पे, उस टाइम फ्रेम में जो स्टेट बनती है वो वेटिंग स्टेट होती है, या मैं कहूँ ब्लॉक्ड स्टेट होती है। फाइनली जब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तब हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं भैया, टर्मिनेट कर देते हैं। यार एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, जब अपन C++ में कोई प्रोग्राम लिखेंगे ना तो आगे चल के जब C++ पढ़ोगे, या कई लोगों को अगर C++ आती भी हो, तो इसमें अपन एक चीज का यूज करते हैं भैया, ब्रेक का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। अपन ने कोई फंक्शन बनाया, कोई क्लास बनाई, तो जब फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, मैं कहूँ क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उसमें कोई फंक्शन अपन यूज कर रहे होते हैं, तो फंक्शन को ब्रेक करने के लिए अपन ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, और ये ब्रेक स्टेटमेंट तभी लगाया जाता है जब अपन प्रोग्राम को टर्मिनेट करने वाले हैं या फिर प्रोग्राम से एग्जिट लेने वाले हैं। इसी स्टेट को हम भैया अपना ब्रेक स्टेट से कर देते हैं, ठीक है। तो यही टर्मिनेशन वाली प्रोसेस होती है। अब जब दोबारा हम उसी डायग्राम में आए, अब जब दोबारा हम इसी डायग्राम में आए, तो अब हमें समझ में आ रहा होगा कि भैया जो स्टार्ट वाली प्रोसेस है ये न्यू है, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। फिर रेडी वाली कंडीशन आती है, ये रेडी वाली कंडीशन है। फिर रनिंग वाली कंडीशन आती है। अब जो एक ब्लॉक्ड और वेटिंग वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये वेटिंग वाली कंडीशन में चला जाता है, अदरवाइज यहां से टर्मिनेशन, या मैं कहूं एग्जिट, या मैं कहूं कि जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाता है, ये जो फंक्शन का लूप है या जो भी एक्स वाई जेड है वो ब्रेक हो जाता है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये छोटी छोटी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी। तो ये चीज आप जरूर नोट कर लेना। उसके बाद बढ़ते हैं भैया अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। किस पे बढ़ते हैं भैया? अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। अगर मैं बात करूं भैया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो एमएस वर्ड हमने कई बार यूज किया है, ठीक है। कई लोग तो रेगुलर काम के लिए यूज कर रहे होंगे। एमएस वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं?
भैया जो एमएस वर्ड है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जिससे हम किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को, रिटन फाइल को, जैसे कि आपने क्या वो रहती है कोई भी फाइल्स हो गई जिसमें हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, फोटोज लगाना चाहते हैं, कुछ ग्राफिक्स लगाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो एक फाइल वाला काम रहता है कुल मिला के हम एमएस वर्ड से करते हैं। हालांकि मेरे को बहुत ऐसा लग रहा है कि अगर तुमको एमएस वर्ड चलाते नहीं आ रहा है तो अभी थोड़ा सा कंप्यूटर सीखना है। अब एमएस वर्ड में अपन क्या क्या चीज़ें करते हैं भैया, जितनी भी फाइल्स हैं उसको क्रिएट करते हैं, उनको एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं, कुल मिला के डॉक्यूमेंटेशन वाला जितना काम रहता है वो सारा का सारा एमएस वर्ड से होता है। अब ये मैंने लिखवा दिया, हालांकि यार ये एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल ये खुद कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एमएस वर्ड या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एमएस एक्सेल, तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि यार ये वाली वीडियो लास्ट होने वाली है तो ये एक छोटा सा टॉपिक और बचा रह जाता कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, तो मेरे दिमाग में बार बार घूमता कि इसके बारे में मैंने बताया नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैं नोट्स के लिए कर रहा हूँ कि आपके नोट्स अच्छे से बन जाएंगे तो एग्जाम में ये नहीं रहेगा कि यार क्या लिख दें, है ना। एमएस वर्ड के बारे में पता तो होता है ना कि पता तो है अब सारी चीज़ें, लेकिन ये नहीं पता कि क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से पॉइंट्स बना के लिखना है, तो वो चीज़ यहाँ से लेके जाओ। ज़्यादा इसमें एमएस वर्ड में समझाने लायक कुछ है नहीं, स्लाइड्स रीड कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इट प्रोवाइड्स यूजर विथ अ पावरफुल सेट ऑफ टूल्स फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वाला पूरा काम रहता है। अब क्या ऑपरेशंस होते हैं भैया एमएस वर्ड के अंदर, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपन क्रिएट करते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स भैया, अपन को कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई रेज्यूम बनाना है, बहुत सारे लोग रेज्यूम बनाने के लिए एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं, हालांकि मैं तो कैनवा यूज़ करता हूँ, तो ये वाली चीज़ें हैं। कोई ऐसे लिखने के लिए, बहुत सारे लोग अपनी बुक्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं, कोई ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए यूज़ करता है, कोई लेटर्स लिखने के लिए यूज़ करता है। तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है भैया, हमारी एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अब ये जो डॉक्यूमेंट है क्रिएट तो कर ली भैया, अब इसको मान लो कहीं फॉर्मेट करना है, कुछ एडिट करना है इसमें, तो एडिटिंग भी इसी से हो जाती है ऑब्वियसली। तो ये पॉइंटर्स में आप लिखोगे कि भैया डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये एडिटिंग में क्या आता है कि जितने भी टेक्स्ट अपन ने लिखे हैं उसमें कुछ इमेजेस लगा सकते हैं, कुछ टेबल्स लगा सकते हैं, कुछ शेप्स लगा सकते हैं, फॉन्ट्स, पैराग्राफ्स, स्टाइल्स, ये थीम्स वगैरह, ये डिजाइन एलिमेंट्स वगैरह अपन सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं बस ये वर्ड्स अपने ध्यान में रखना, बाकी तो आपको ही पता है कि इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने को पता सब कुछ रहता है लेकिन ये नहीं पता रहता कि क्या लिख दें, तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। क्या क्या चीज़ें लिखोगे कि भैया क्रिएशन होता है, क्रिएशन के बाद एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग में क्या भैया उसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, टाइपोग्राफिक चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ अलग अलग लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसको बोल्ड बना सकते हो, इटैलिक बना सकते हो, सब लिख डालना, जितने भी पोथी आपको पता है सब लिख के आना है। अगली चीज़ जो हम देखने वाले हैं, अगला है भैया रिच फीचर सेट होता है इसका। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए अपन थोड़ा सा। रिच फीचर सेट होता है ऑटो करेक्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस एंड वर्जन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें कुछ रहती है, ठीक है। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ऑटो करेक्ट, या कई बार क्या रहता है कि अपन लिखते लिखते थोड़ा स्पेलिंग चेक नहीं कर सकते, है ना, तो उतने टाइम ऑटो करेक्ट वाला जो फीचर होता है ये हेल्प करता है अपनी जो क्वालिटी है डॉक्यूमेंट की और एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करने में। सपोज मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, और मैं फ्लो में लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे हाथ चलते जा रहे हैं, फ्लो में लिखता जा रहा हूँ जैसे अपन पेन कॉपी के साथ लिखते हैं। सपोज कई बार क्या होता है कि अपन टाइप करते करते थोड़ी गलत स्पेलिंग टाइप कर देते हैं, तो यहाँ जो ऑटो करेक्ट वाला फीचर रहता है ना ये करता है, क्या करता है कि उसी स्पेलिंग को थोड़ा सा सही कर देता है। तो क्या क्या हमें थोड़ा इसे ईजी पड़ जाता है कि दोबारा आके उस स्पेलिंग को चेक नहीं करना है। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको थोड़ा नोट कर लोगे ना तो आपको आसानी रहेगी एग्जाम के टाइम पर रिकॉल करने के लिए। अभी जो कोलैबोरेशन और शेयरिंग रहती है थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होता है, जब अपन ने बनाया उसको वर्ड, किसी भी वर्ड फाइल को बनाया, अब इसके अपन ओनर्स भी चेंज कर सकते हैं। सपोज कि मैं ओनर हूँ उस वर्ड फाइल का, मैं चाहता हूँ कि अब ओनरशिप जो है वो किसी और में, किसी और जीमेल में ट्रांसफर हो जाए, कि मेरे दोस्त के पास एक्सेस चला जाए, वो इसको एडिट कर पाए, तो ये वाली चीज़ें अब भी अपन कर सकते हैं। लिंक्स भी अपन शेयर कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की, ताकि क्या करें अलग अलग लोग उसको एक्सेस कर पाएं और एट द सेम टाइम उसमें चेंजेस कर पाएं, ये वाली सुविधा रहती है भाई साहब। तो इसी को हम कोलैबोरेशन या शेयरिंग कहते हैं। कोलैबोरेशन वही वाली चीज़ हो गई कि एट अ टाइम किसी एक डॉक्यूमेंट पे, क्या होता है ना जब अपन इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं तो एक टीम किसी एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रही होती है, किसी एक रिसर्च पे काम कर रही होती है, तो वहां पे जो वर्ड फाइल रहती है उसको एक्सेस करना हर एक मेंबर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो इसी को हम कोलैबोरेशन कहते हैं। ये वाला फीचर भी हमें एमएस वर्ड में मिल जाता है। ऐसा लग रहा है एमएस वर्ड ने मेरे को पेड प्रमोशन करने के लिए पैसे दिए भाई। इंटीग्रेशन विथ ऑफिस सूट,
अब ये ऑफिस सूट क्या है भैया, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जितनी भी एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, इन सबको जो है वो क्या करता है कि जो डेटा है चार्ट्स है इन सबको इंसर्ट करने की मशक्कत, जो या मैं कहूँ कि जो कैपेबिलिटी है या अलाउंस है वो जो हमारा एमएस वर्ड है वो प्रोवाइड कर देता है। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अब अगर मैं बात करूँ भैया जो हमारी कंपैटिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी वर्ड फाइल रहती है उसको तुम अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप्स में स्टोर कर सकते हो, पीडीएफ में स्टोर कर लो, डॉक एक्स में स्टोर कर लो, आरटीएफ में यूज़ कर लो। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपैटिबिलिटी रहती है, जैसे सपोज जो हमारी पीडीएफ है वो पीडीएफ फॉर्म में कहीं एक जगह पे खुल रही है लेकिन डॉक एक्स के फॉर्म में नहीं खुल रही है, फिर जो हमारी कोई फाइल है वो डॉक एक्स के फॉर्म में किसी एक सॉफ्टवेयर में खुल रही है लेकिन पीडीएफ के फॉर्म में नहीं खुल रही, तो ये जो एक्सेसिबिलिटी रहती है ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये वाली चीज़ जो रहती है ये कंपैटिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के अंदर आ जाती है। इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लेना, साफ कर देता हूं उनको। ये ऐसा हिसाब किताब है कुल, ठीक है, ये आपका हो गया साफ, इस चीज को आप नोट कर लोगे, इसके बाद हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगली चीज हमारी क्या है भैया? क्लाउड इंटीग्रेशन। अभी जो क्लाउड इंटीग्रेशन वाली बात रहती है ये थोड़ा सा वही है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सब्सक्रिप्शन रहता है वो ले लोगे तो क्या रहेगा कि अगर आपका कंप्यूटर आपके पास नहीं है, कोई भी आपका सिस्टम आपके पास नहीं है, तब भी आप कहीं पे भी अपना जो आउटलुक है, जो भी आपका आउटलुक मेल है, उसको कहीं पे भी लॉगिन करके और सीधा सीधा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो भी आपकी फाइल या डॉक्यूमेंट्स है उसको एक्सेस कर सकते हो। ये छोटी सी चीज़ है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कस्टमाइजेशन एंड ऑटोमेशन, ये वाली चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी एक मोटा मोटा यही हिसाब किताब है यार, ज़्यादा गुचड़ बुचड़ करना नहीं है, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट से लिखवा दिया, आपकी बुक्स में इतने ज़्यादा मिलेंगे वैसे है नहीं। और रही बात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो वहाँ पे क्या करेंगे अपन, रट्टाफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे किसको, अपने बुद्धि को, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि भैया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ अपन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, सारी खुराफात को वहाँ जाके लिख देना है। हालांकि ये आपके होमवर्क में मैं सोच रहा था दे दूँ कि आप इसको बुक्स वगैरह से पढ़ो, जो कि आप वैसे भी कर लेना, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप नोट कर लोगे तो नोट्स अच्छे बन जाएंगे, ठीक। तो ये वाली चीज़ आप देख लेना। हालांकि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी आप थोड़ा सा देख लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपन क्या करते हैं, जितनी भी आपकी स्प्रेडशीट्स रहती है, टेबल्स रहती हैं, आपके जो भी होता है कि इसको मैं कह सकता हूँ बही खाता, क्या कह सकता हूँ, बही खाता। बही खाता किसको कहते हैं भैया? जितनी भी हमारी दुकानें होती हैं ना, आपकी किराने की दुकान होगी, किसी की कपड़े की दुकान होगी, मेरी कपड़े की दुकान है, तो हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। रजिस्टर में क्या रहता है भैया? जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, या मैं कहूँ कि जितने भी हमारे डीलर्स हैं, जहाँ से हम सामान लेके आ रहे हैं, जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनकी डिटेल्स को मेंटेन करने का काम हम बही खाता में करते हैं। सेम चीज़ अगर मैं कंप्यूटर में डाल दूँ तो वो कंप्यूटर में मैं एक्सेल के फॉर्म में कर रहा हूँ, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट का, तो वहाँ मैं ये सारी स्प्रेडशीट्स बना रहा हूँ, वहाँ पे मैं नंबर डाल सकता हूँ कि भैया ये कस्टमर नंबर पहला, ये दूसरा, किस डेट पे प्रोडक्ट लेके गया, कौन सा प्रोडक्ट लेके गया, कितनी क्वांटिटी में लेके गया, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या फोन नंबर है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम एमएस एक्सेल में स्टोर करते हैं। तो कुल मिला के इसको याद रखोगे कि भैया ये किसी भी दुकान का बही खाता है। क्या है भैया? बही खाता है। अब ये जो एमएस एक्सेल है, ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी नोट कर लेना, इसमें जो बेसिक ऑपरेशन, सबसे पहले हम स्प्रेडशीट्स को क्रिएट करते हैं, जिनमें हम रोज बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, कुल मिला के ये टेबुलर फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे करके टेबुलर फॉर्म में होता है, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे डेटा एंट्री हो जाती है, बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। क्या होते हैं भैया? फार्मूलाज होते हैं जिनको यूज़ करके, सपोज यहाँ पे मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, अब मैं एक फार्मूला लगा दूंगा इन सब के ऊपर, जिससे क्या होगा, 4, 3 सपोज अगर मैंने कोई फार्मूला लगा दिया, ये क्या करेगा कि ये लास्ट वाला जो ब्लॉक है इसमें मुझे इसका सम करके देगा। तो इसका सम कितना होगा भैया? 2, 1, 3, 6 और 6, 4, 10, तो 10 इसका सम होने वाला है, 10 सम निकाल के हमको ये दे देगा। तो ये फार्मूलाज वगैरह भी अपन बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शंस। अब ये वाली चीज़ आप नोट करो, ठीक है। नोट करने के बाद अगली स्लाइड में जो हम देखने वाले हैं वो है भैया, हाँ, ये फार्मूलाज एंड फंक्शन ये ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ। ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है जिसमें हम मैथमेटिकल फार्मूलाज को स्टोर करते हैं, जहाँ जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस है कि भैया सपोज कितनी बिक्री हुई पूरे महीने में, पूरे महीने में कितने अमाउंट ऑफ सामान, सपोज कि हमने कोई साड़ियाँ एक पर्टिकुलर कंपनी की साड़ियाँ बेच दी तो वो कितना बिका है, या डीलर से कोई सामान आया तो वो कितना आया है
है ना। तो ये सारी चीजें अब इंसान थोड़ी कैलकुलेटर से बैठ के गिन रहा होगा, तो हमें एक फॉर्मूला सबको सेलेक्ट करके एक फॉर्मूला लगा दिया और वो हमें आउटपुट में मिल जाता। तो ये वाली चीज जो रहती है ये थोड़ी सी यहाँ पे फायदेमंद रहती है। अब यहाँ पे अपन चार्ट भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, कई सारे पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, प्लॉट्स बना सकते हैं, जो आपके ग्राफ्स हो गए, लाइन ग्राफ्स हो गए, ये सारी चीजें अपन बना सकते हैं ताकि जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा अच्छे से हो जाए। डेटा एनालिसिस टूल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन वाला फीचर मैंने वर्ड में बताया था, वही सेम चीज यहां भी होती है। ये सारे नोट्स में आप इंक्लूड कर लोगे ताकि एग्जाम में जब आप जाओ तो आपका दिमाग जो है वो खाली ना रहे। क्या रहे भैया? जो आपका दिमाग है वो खाली ना रहे। इंटीग्रेशन विथ अदर एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, जैसे कि मैंने वर्ड के टाइम पे बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो भी डॉक्यूमेंट रहती है उसको अपन पावर पॉइंट में भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ जो अपने क्या कहते हैं एक्सेल है उसमें भी अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वाला हिसाब किताब कुल मिला के रहता है पावर पॉइंट में, वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन जितनी भी होती हैं सब में अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन विद अदर एप्लीकेशन थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है। ऑटोमेशन ऑफ और एंड कस्टमाइजेशन, ये वाली चीज भी अपने हिसाब से अपन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन तो बहुत सारे होते हैं, ये वाली चीजें अपन थोड़ा सा देख लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। कहानी वाली यह भी थोड़ी सी खत्म होती है। अब ये अपना आखिरी लेक्चर है बीसी फर्स्ट चैप्टर का। अगले चैप्टर से देखो ये थोड़ा सा मेरे को मजा भी नहीं आया तो पढ़ाने में, ऑनेस्टली बताऊं तो, अगर आपसे शेयर कर सकता हूं तो सीम इसलिए मजा नहीं आई क्योंकि बहुत ही बेसिक है हिसाब किताब। हमें पता है यार रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, कुछ नया नया सा नहीं। इधर जो छठवीं से पढ़ते आ रहे हैं, जो सतवीं से पढ़ते आ रहे हैं, वही सारी चीजें इधर पे रखी हुई हैं। लेकिन अगली वीडियो से जो है अपन प्रॉपर भैया डीएसए की बातें कर रहे होंगे, अपन थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, थोड़ा छोटा 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 हिंट है उधर पे। तो ये सारी चीजें अपन अगले चैप्टर से देख रहे होंगे। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। अब बहुत ही कंसाइज मैंने कर दिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से उसको मैंने थोड़ा सा स्किप भी किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ ही आ सकती है मैंने उनको स्किप नहीं किया है। ऑनेस्टली बताऊँ मैंने सारे नोट्स बनवाए हैं, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है और जहाँ पे बहुत टफ चीज़ें हैं उनको मैंने बहुत प्यारे से एक्सप्लेन किया है पूरा। अगर ये पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को तो स्टार्टिंग से जाओ, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग से पढ़ोगे मज़ा आ जाएगी। अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। फिजिक्स के भी लेक्चर्स मैंने अच्छे से करा दिए हैं, उसका रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा रहा आपका, तो वो वाली चीज़ भी आप देख लोगे। डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, मैंने सारी चीज़ें उधर कराई है, तो फिजिक्स के लेक्चर भी आप जाके देख लेते हो। फोर्थ चैप्टर करा दिया, फर्स्ट चैप्टर भी शुरू करूंगा, तो वो वाला हिसाब किताब आपके साथ है। तो तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बना लीजिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।